कि हम लोगों ने एक डिप्लॉयमेंट किया था यहाँ पे पहले भी, मगर कुछ लोगों ने, कुछ शरारती तत्वों ने इसको आगे भड़काया और एक डिब्बे में आग भी लगाई है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और अपने स्तर से जो भी कार्रवाई है वो कर रही है। रेलवे बोर्ड ने संभवतः एक टीम का भी गठन किया, कमेटी बनाई है जो पूरे मामले को देखेंगे और जो भी कार्रवाई होगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि उत्तेजित ना हो, हम लोग भी उन्हीं की मदद के लिए हैं, हम लोग मदद भी कर रहे हैं, परंतु अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो अपना कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोगों को भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वार्तालाप करने की कोशिश की गई थी मगर वार्तालाप करने के वो इच्छुक थे नहीं, उनको पीछे से कोई कोई भड़का रहा था बार बार, कुछ हल्ला हंगामा क्योंकि भीड़ में जो था, मगर फिर भी हम लोगों ने अपना मैसेज पहुँचाया है। कुछ लोग लगता है समझे हैं और यहाँ से अभी चले गए हैं सब। अभी क्या स्थिति है? अभी फिलहाल अभी देखने में सब सामान्य लग रहा है, बाकी हम लोग अभी देख रहे हैं। हिरासत में लिया गया कुछ? अभी पता नहीं, टीम्स अलग अलग निकली हुई हैं, देखते हैं जब सब इकट्ठे होते हैं पता चलेगा। RRB NTPC के तलबा ने आज यहां पर गया रेलवे स्टेशन पर आकर जमकर एहतजाज किया है। पत्थरबाजी जारी है, दोनों तरफ से पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन ये पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं, दोनों तरफ से संगबारी भी हुई है। अभी आंसू गैस छोड़े गए हैं, हालात बेकाबू हैं, पुलिस किसी तरह से भी हालात को काबू करने के लिए कोशिश कर रही है। यहाँ पर ज़िला के जो पुलिस के आला अफसरान है वो भी पहुँच चुके हैं, पूरी तरह से हालात को काबू करने में लगे हुए हैं। ये जो तलबा हैं चारों तरफ से स्टेशन को घेर चुके हैं और चारों तरफ से पत्थरबाजी कर रहे हैं। रेलवे को काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है, कई ट्रेनों को रोक दिया गया है और ट्रेनों के पर भी पथराव किया गया है और रेलवे की जो इमलाक है उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हालात को काबू में करें। ETV भारत के लिए गया से सरताज अहमद।